हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मैंने चित्तौड़ा झील का वीडियो शेयर किया था, तो उसका ये पार्ट 3 है। और ये वीडियो थोड़ी देर से जा रही है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। मेरी क्या, घर में किसी की भी तबीयत सही नहीं थी। आजकल आप लोग जान ही सकते हैं, वायरल फीवर चला हुआ है। और मेरे हस्बैंड को थोड़ी चोट वगैरह भी लग गई थी, तो फिर मैं कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रही थी। तो आज मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ ये वाला पार्ट शेयर कर देती हूँ। और वैसे तो मैं ना वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अभी मैंने सोचा कि सिर्फ वैसे ही म्यूजिक डाल के आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना एडिटिंग वॉइस ओवर भी कर देती हूँ, आप लोग को कुछ बता भी दूँगी इसमें। तो ये देखिए, आप लोग इधर देख सकते हैं, तो अभी ना यहाँ पे देख सकते हैं, अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, इधर काम चल ही रहा है। और ये मंदिर बन रहा है इधर का, और जो अभी जस्ट बगल में थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो वो ही एक पुराना मंदिर यहाँ का है। और पेड़ वगैरह देख सकते हैं, बागीचा था आम का, तो और पेड़ तो कट गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पेड़ अभी वैसे पड़ा हुआ है। और बहुत ही अच्छे से ये बन रहा है। और फ्रेंड्स, अभी मैं ना जब एडिटिंग करे तो बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अंदर से अभी मुझे फीवर है, अभी बिल्कुल तरह से पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। लेकिन फिर मैंने सोचा ना कि वीडियो भी बहुत लेट हो जाएगी और मेरे पास है तो चलो डाल देती हूँ, तो इसलिए मैंने आज वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दिया। वैसे तो मैं वीडियो थोड़ी छोटी होती ना, 2-3 मिनट की, तो मैं म्यूजिक डाल के ही डाल दी होती, लेकिन बड़ी हो गई थी तो फिर म्यूजिक डाल के उसे उतना कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोग के साथ बातें भी कर ली। और ये देख सकते हैं किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे जो भी खाली दिख रहा है ना मिट्टी, तो उसमें सारे फूल वगैरह लगेंगे। और आगे आप लोग देख सकते हैं, जस्ट सामने दिख रहा होगा, तो ये महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा है, मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। तो अभी इसका ना चेहरा, इनका चेहरा भी ढका हुआ है, जब पूरा अच्छे से बन जाएगा तो फिर इसका उद्घाटन वगैरह होगा। और सबसे अच्छा यहाँ पे ये लग रहा है ना, देखिए कहीं कहीं पेड़ भी है, छाया है, सच में बहुत ही सुकून देने वाला एकदम खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा है यहाँ का। और पेड़ पौधे, झील, नदी, पानी, ये सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर, जब पूरा बन के तैयार होगा ना, तो सच में ये जगह देखने लायक होगी, बहुत ही सुंदर। और देखिए किस तरीके से यह कैसे डिज़ाइन में ये बना हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के लिए झूला वगैरह भी है, लेकिन अभी खुला नहीं है, बंद ही है, ऐसे लगा हुआ था। और ये देखिए महाराजा सुहेल देव की मूर्ति घोड़े पे सवार है, और घोड़ा कैसे सिर्फ तो पीछे दो पैर पे ऐसे खड़ा है, तो देख सकते हैं। और सबसे यहाँ का सबसे जो चीज़ देखने लायक है ये है, मुझे ये सबसे अच्छा लगा। और जो सारी चीज़ें हैं वो तो अच्छी है ही यहाँ की, लेकिन ये चीज़ें और बहुत ही विशाल है, ये कम से कम मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन बहुत कई फीट में है ये, बहुत ऊंचाई पे है ये। और ऐसे भी पीटियों में नहीं समझ में आ रहा है, और अभी ये भी बनना बाकी है, कुछ बनेगा। और ये देखिए बच्चों के लिए झूला वगैरह तो बंद है, अभी ये कांटे वाला जो तार होता है ना वो लगा हुआ है। और यहाँ की ये जो चीज़ें हैं, तो टीला जैसे बनाया गया हुआ है, ग्रीन ग्रीन घास इस पे आया हुआ है, ऊंचा ऐसा टीला। और पहले ना ऐसे ही था, ऊंचा था टीले जैसा, यहाँ पे पूरी बराबर नहीं थी ज़मीन जो भी थी, मैं तो कभी आई नहीं, लेकिन ये तो इनकी ड्यूटी वगैरह रहती थी तो ये सारा बता रहे थे, इनको पता था तो ये बताते गए, तो मैं आप लोग के साथ जो भी वो बातें बता रही हूँ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए पीछे बस सिर्फ दो पैर पे ऐसे बना हुआ है ये मूर्ति, बहुत ही अच्छा लग रहा था पास से देखने में सबसे ही, और बहुत ही विशाल था, बहुत ही बड़ा ये पास से। और मुझे ना जो ऐतिहासिक कहानियाँ वगैरह होती है, जो ऐतिहासिक राजा वगैरह जो भी, तो वो चीज़ें देखने में, वो जगह देखने में ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और वहाँ पे जाके ना ऐसा फील होता है कि ऐसा होता है ना कि हाँ हम इस जगह आए हैं, यहाँ ये हुआ होगा। जैसे मैं अयोध्या की बात करूँ तो वहाँ मैं जब गई थी तो मुझे वहाँ जा कर भी ना बहुत अच्छा लगा, हर चीज़ मुझे जैसे लगा फील हो रहा था कि कैसे जो अयोध्या के राजा दशरथ थे, राम जी थे, उन लोग का जीवन यहाँ पे व्यतीत हुआ,
तो कैसे कहाँ क्या किए थे, यहाँ अकेले आए, मतलब ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, राजा महाराजाओं के किले वगैरह जो होते हैं देखने में, उनकी कहानियाँ जानने में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ भी, ये भी ना, ये जो टीला दिख रहा था ये भी बहुत ऊँचा था। ये मतलब ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बनाई जा रही है हर चीज़। और ये जो बीच बीच में आप मिट्टी देख रहे हैं ना, खाली जगह मिट्टी वगैरह है, तो ये सारे फूल वगैरह शायद लगेंगे। और अभी तो आधा अधूरा है, पूरा सही से नहीं बना, जब पूरा बनेगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और देख सकते हैं ये टीला किस तरीके से बनाया गया है, और पहले ऐसे ऊंचा था लेकिन अब इसको, इसकी मतलब हर चीज़ बन रहा है ना, तो बहुत खूबसूरती से इसको बनाया गया हुआ है बहुत ही अच्छे से। और अब हम लोग घूम घूम चुके हैं, और यहाँ पे ना है थोड़ा अंधेरा हो गया है, दिन डूब गया है, लेकिन मोबाइल से पता नहीं चल रहा है, मोबाइल के कैमरे से, कि मतलब अंधेरा होने वाला है। देखिए अब हम लोग जा रहे हैं घर, तो कैसी लगी वीडियो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताना। तो चलिए फिर आती हूँ एक नई वीडियो लेके, तो